Hello, welcome to this channel, Arvind Singh Academy, and myself Arvind Singh. दोस्तों आज हमारे साथ है एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट और बहुत ही संघर्ष करने वाली मेहनती लगनशील और कर्मठ छात्र सिमरन. और सिमरन के बारे में ये कह सकता हूँ कि मैं पिछले साल इनको देखा है, इनको इनके साथ थोड़ा पढ़ाने का मौका मिला है. तो मैंने जो अभी तक जुनून देखा है बच्चों में, कई सारे बच्चों में जो जुनून देखा है, उनमें से ये एक है जिनमें जुनून भर भर के था. और इन्होंने अपने काम को, जितने दिन क्लास हुई ड्रॉपर बैच में हमारे यहाँ, उतने दिन मैंने ये देखा कि इन्होंने कोई भी ऐसा एक दिन नहीं हुआ जिस दिन सिमरन को ये कहते हुए मैंने सुना हो कि सर किसी कारण से मैंने आज काम नहीं किया या होमवर्क नहीं किया. इसने उम्मीद से बहुत ज्यादा बढ़ के काम किया और जितना हम होमवर्क देते थे उससे कहीं एक स्टेप ज्यादा काम किया था. विशेष जानकारी सब सिमरन से ही लेते हैं. और सिमरन के बारे में एक बात बता दूं कि इस साल इन्होंने नीट एग्जाम में 1600 कुछ रैंक आया था, खुद बता देंगे, शायद 1682 था, मुझे जहाँ तक याद है. और ये इस बार अभी फर्स्ट राउंड की जो नीट की काउंसलिंग हुई है ऑल इंडिया रैंक में, उसमें उसके आधार पर इन्होंने इनको एम्स जोधपुर मिला है. इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई LBS कोटा से की है और ये ड्रॉपर थी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ड्रॉपर बैच की स्टूडेंट थी. पिछले साल इन्होंने नीट की परीक्षा दी थी और इनको मिला था BDS OBESIC दिल्ली में. दिल्ली कैपिटल है, रिनोन्ड जगह है, लेकिन BDS मिला था इनको, जिसके वजह से इन्होंने थोड़ा सा उसको ड्रॉप करने का मन बनाया होगा, तभी इन्होंने फिर इस साल दिया है. आइए सिलसिलेवार ढंग से इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया और क्या कमी रह गई थी पहली बार पे जो इनको MBBS नहीं मिला. बहुत सारी बातें हैं. आप नए जो छात्र हैं उनको बहुत सारे इससे बहुत सारे गाइडलाइंस मिलेंगे और उनको भी आगे जो तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत सारी बात जानने का मौका मिलेगा. तो सिमरन आपका स्वागत है. फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन टू यू कि इतनी बढ़िया से सक्सेस किया ड्रॉपर बैच में. यूजुअली इतना अच्छा रैंक किसी का आता नहीं है. ड्रॉपर बच्चों के रैंक जो होते हैं वो यूजुअली जो रैंक होते हैं वो 4-5 हज़ार के ऊपर ही होते हैं. मतलब इतना बढ़िया रैंक ड्रॉपर बैच से आना रियली एक बहुत रिमार्केबल अचीवमेंट है. और आई अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन एंड ऑल दीज थिंग्स. और मुझे बहुत खुशी है आज यहाँ पे बाकी जो ड्रॉप आउट करने के बच्चे मन बना रहे होंगे या बनाए हैं उनके लिए एक गाइडलाइंस मिलेगा, ये सोच के आज इस इंटरव्यू को हम कंडक्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, जो हम तो जान ही रहे हैं, बाकी बच्चों के लिए आप बताएं कि पहली बार जब परीक्षा दिया था आपने पिछले साल नीट की, तो उस समय क्या कमी रह गया था. आपको अपने एनालिसिस किया होगा, आपने विश्लेषण किया होगा कि क्या क्या कमी रह गई जिससे आपको MBBS नहीं मिला. बताए छात्रों को. सर सबसे पहले तो मेरा ये था कि मुझे नीट से, जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था तब मेरे को नीट से एकदम डर लगने लग गया था. बहुत फियर आ गया था कि नहीं मेरे से तो नहीं होगा. और वही कि मैं, और वही कि इतना डिटर्मिनेशन भी नहीं था दिन में फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया कि मेरे को क्रैक ही करना है, क्रैक ही करना है, बस चल रहे पढ़ रहे और बस यही था. और फिर ये कि जो मेरे कॉन्सेप्ट जो मेरे वीक रह गए या मैंने नहीं पढ़े थे वो मैंने पढ़ा ही नहीं लास्ट टाइम पे भी, भले मेरे पास टाइम था उस टाइम पे, फिर भी मैंने नहीं पढ़ा. ऐसे फिजिक्स में मेरे को काफी चीजें नहीं आती थी तो वो भी मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी. बस ऐसे कि ठीक है छोड़ देंगे, जितना आता है उतना करके आ जाएंगे. वही कि मतलब एक जो डिटर्मिनेशन था, एक फियर भी था नीट का कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, मार्क्स उसने आते नहीं थे उस टाइम पे. तो वही कि एक फियर फैक्टर बहुत बड़ा रोल था मेरे लिए कि नहीं होगा मुझसे ऐसा. अच्छा, तो सबसे बड़ी बात है कि ये मानती हैं कि इनके स्ट्रेटजी में थोड़ी कमी थी और टाइम होने के बावजूद भी जो चैप्टर इनको नहीं आता था
उसको इन्होंने लगभग छोड़ दिया, गिवअप कर दिया था कि चाहे इसका जो भी होगा जितना आता है उतना ही तैयारी करके जाए। ये स्ट्रेटजी रही होगी आपकी? हाँ सर, यही था। अब हो नहीं रहा तो एक तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है बच्चों कि सिलेबस को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, ओवरऑल सिलेबस पे पकड़ तो होनी चाहिए एटलीस्ट, नहीं तो होलसम जो कंप्लीट सक्सेस की बात जो कही जाती है वो कंप्लीट सक्सेस नहीं मिलती। जैसा कि इनके साथ हुआ है कि पिछले साल इन्होंने दिया और इनको कंप्लीट सक्सेस नहीं मिला, पार्शियल सक्सेस मिला, जिसकी वजह से बीडीएस में एडमिशन लिया। और बीडीएस में एडमिशन लिया यूजुअली ऐसा देखने को मिल रहा है हाल में कि बच्चे बीडीएस में एडमिशन ले लेते हैं लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं होते, फिर उसमें से कुछ तैयारी करते हैं। लेकिन मेरा जहां तक इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मैं देखता हूं कि कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद, चाहे वो बीडीएस में ले लें या कोई ऐसे बीएससी में एडमिशन ले लें और फिर तैयारी करें, तो ऐसे बच्चों की भी सक्सेस रेशियो बहुत बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। क्योंकि बच्चे डुअल माइंड के शिकार हो जाते हैं दो तरफ, एक तरफ कॉलेज की अटेंडेंस की चिंता, कॉलेज में इंटरनल एग्जाम की चिंता, फिर तैयारी की चिंता, तो ये बड़ा टफ होता है। आपने कैसे मैनेज किया कॉलेज में एडमिशन लेकर? स्टार्टिंग में नहीं, जैसे स्टार्टिंग में जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ तब मेरे को स्टार्टिंग से लगने लग गया कि नहीं मुझे बीडीएस नहीं करना है। फिर भी मैंने साथ साथ थोड़ा बहुत पढ़ा कि ठीक है एक बार पेस आ जाए। फिर जब मेरे को एकदम कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ ठीक है मेरे को छोड़ देना चाहिए बीडीएस की, हाँ मैं कर सकती हूँ, तो फिर मैंने दिसंबर में छोड़ दिया कॉलेज जाना। और फिर बस वही एक ये भी था कि अगर नहीं हुआ फिर तो फिर एक ईयर बैक लगेगा बीडीएस में, तो वही कि इसको मैंने एज अ मोटिवेशन दिया कि अगर मेरे को एक साल मेरे को वापस ईयर बैक लगाना है, वापस मुझे बीडीएस भी नहीं करना है, तो मेरे को इस बार निकालना ही पड़ेगा एमबीबीएस कैसे भी करके। तो वही कि इसको मैंने एज अ मोटिवेशन दिया, कॉलेज मैंने जाना छोड़ दिया, एक ईयर बैक भी लगना था अगर मुझे नहीं मिलेगा इस बार कॉलेज, अटेंडेंस भी शॉर्ट थी, एग्जाम में भी नहीं बैठने दिया था, तो वही ये सारी चीजें मेरे साथ भी हुई थी सारी, हर कॉलेज में एज अटेंडेंस का रहता है, तो लेकिन मैंने छोड़ दिया था। लेकिन फिर मेरा पूरा एक फिर एक गोल हो गया था कि नहीं मेरे को एमबीबीएस ही करना है और कुछ करना नहीं। तो फिर मैंने अच्छे से नीट की प्रिपरेशन करी, मतलब दिसंबर से मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया था और एकदम अच्छे से मैंने प्रिपरेशन करी कि ये ही मेरे को लेना है और अगले साल मेरे को कैसे भी करके नीट निकालना ही निकालना है, तो वो ही मेरा माइंड सेट रहा पूरा। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि मोटिवेशन ऐसी थी कि अगर ये नहीं अभी नहीं तो कभी नहीं, ये वाली बात है कि इस साल अगर नहीं हुआ तो मेरा कुछ हो नहीं सकता। और आपने पूरी तरह से वन साइडेड होकर डिसाइड किया, डुअल अप्रोच शुरुआत में थी लेकिन बाद में आपने वन साइडेड कर लिया, यही कहने का मतलब यही है? यस सर। तो इसका मतलब ये है कि जो भी बच्चे हैं, तभी मैं कह रहा हूँ कि जो भी बच्चे ऐसा सोचते हैं कि वो कॉलेज के साथ साथ तैयारी करेंगे, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बच्चों को ये डिसाइड करना ही पड़ेगा अगर अच्छा रैंक लाना चाहते हैं तो, कि दोनों चीजें साथ नहीं हो सकती, आपको किसी एक तरफ पूरी फोकस अप्रोच लगाना ही पड़ेगा अगर अच्छे सक्सेस पाने हैं तो। जैसा कि सिमरन ने किया कि दिसंबर के बाद से इन्होंने छोड़ दिया, आप दिसंबर के बाद छोड़ देते हैं तब भी ईयर बैक लगता है और जुलाई के बाद छोड़ देंगे तब भी ईयर बैक लगेगा, अगस्त के बाद छोड़ देंगे तब भी ईयर बैक लगेगा ही लगेगा। तो बेहतर है कि जो बच्चे ड्रॉप करना चाहते हैं, और बड़े सारे पेरेंट्स का मेरे पास ऐसा फोन आता है कि सर कॉलेज में भी एडमिशन दिला देता हूँ कहीं एक साल खराब ना हो जाए, खराब तो वैसे भी होगा, अगर ड्रॉप करने का कोई सोच रहा है तो उसको पूरी तरह से फुली डिपेंडेंट होकर के, फुली पैशनेट होकर के, फुली डेडिकेटेड चैनल के जरिए एक ही चीज पे तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ हो नहीं पाती है ना, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो पाती। दोनों चीजें जो लोग करते हैं वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि जो बच्चे ड्रॉप करते हैं, हाँ तुम्हारे साथ भी कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ड्रॉप करके तैयारी किया होगा, उधर ईयर बैक भी लग गया होगा, इधर एमबीबीएस मिला भी नहीं होगा, ऐसा भी होगा? यस सर, बहुत सारे लोगों के, हमारे कॉलेज में ही बहुत सारों ने दिया था, तो हाँ, यही हुआ उनके साथ। तो वही बात है कि देखो बच्चों, अगर आपने ड्रॉप करने का सोचा है तो आप एक साइडेड हो, दोनों तरफ फैलने से क्या होता है न कॉलेज में भी ईयर बैक लग जाता है, उधर का भी नहीं हो पाता अच्छे से और इधर का भी नहीं हो पाता अच्छे से। इसलिए अगर आपने ड्रॉप करने का सोचा है, ये जो छात्र ड्रॉप करने के लिए सोच रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी मैसेज है
कि जो ड्रॉप करने के लिए सोच रहे हैं उनको ये संदेश है सिमरन की तरफ से ही। मैं तो एनालिसिस करता ही रहता हूं, मैं कहता हूं, लेकिन आपने ये सुन करके आपको अंदाजा लग गया होगा कि एक साइडेड वन साइडेड अप्रोच होनी चाहिए, फोकस्ड अप्रोच होनी चाहिए, तभी जाके इतनी बड़ी सक्सेस मिलती है कि एम्स में एडमिशन लेना किसी के लिए सपना होता है और सिमरन ने वो अचीव किया है। तो अब एक और सवाल है कि ड्रॉप आउट करने के बाद जनरली ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इमोशन में आकर के ड्रॉप आउट कर देते हैं, चाहे वो जेई की एग्जाम हो, आईआईटी की एग्जाम हो या नीट के एग्जाम हो। नीट में बहुत ज्यादा बच्चे ड्रॉप करते हैं, 2 ईयर 3 ईयर ड्रॉप करते हैं, लेकिन हमने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि जब बच्चे ड्रॉप करते हैं तो थोड़े दिन बाद वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे उनके पीयर ग्रुप्स में कोई अपने कॉलेज के किस्से सुना रहा हो या मस्ती सुना रहा हो तो बच्चों को फिर लगता है कि हम तो बेकार ही ड्रॉप कर दिए। और शुरुआत में 2-3 महीना तो बड़े इंथुजियाज में पैसनेट होकर के पढ़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो डीमोटिवेट होते जाते हैं, अपने गोल से दूर हो जाते हैं। आपने इसको ओवरकम करने के लिए क्या किया? क्या आपको डीमोटिवेशन कभी हुई पहले या नहीं हुई? अगर नहीं हुई तो क्या किया आपने कि डीमोटिवेशन नहीं हुआ? नहीं, डीमोटिवेट तो हर कोई होता है, कभी मार्क्स नहीं आते, कभी क्या होता है। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में, तो मैंने वैसे ही दिसंबर में स्टार्ट किया, तो मेरे तो पास 5 महीने थे अगर मई में होना था एग्जाम, तो वही कि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा डर भी लगता था कि मैंने एक तो छोड़ भी दिया एमबीबीएस और नहीं भी हुआ तो फिर क्या होगा। तो फिर मैंने एक तो मैं एकदम फोकस थी कि नहीं, मेरे को कैसे भी करके लाना ही लाना, एकदम डिटरमाइंड थी कि मेरे को लाना ही है। मतलब वही कि अगर तुम इतना डिटरमाइंड हो कि तुम्हें कोई चीज लेनी ही लेनी तो तुम ले सकते हो। मतलब वही, अगर तुम फोकस अप्रोच से तैयारी करो और एकदम जो वो चीज मांगता है, अगर तुम जैसे किसी कॉलेज, किसी को मौलाना आजाद में जाना है तो उतनी मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। खुद से ऑनेस्टी रखो, एकदम खुद इनोसेंट रहो खुद के साथ, कभी कभी झूठ मत बोलो। जो मार्क्स आ रहे हो उसको एनालाइज करो कि कितने कम आ रहे, इतने ज्यादा क्यों, मतलब कम क्यों आ रहे, कहाँ मिस्टेक हो गई, ये सब। और वही कि तो फ्रेंड्स अच्छे बना के रखो, सोशल मीडिया से एकदम दूर हो जाओ। ये मोस्ट ऑफ सोशल मीडिया से आता है कि वो मस्ती कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, कोई बात नहीं बाद में देख लेंगे, ये नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया से एकदम दूर रहो, फ्रेंड्स बनाने तो वो तुम्हें हमेशा फोकस रखे और हमेशा डिटर्मिनेशन देते रहे, मोटिवेशन देते रहे कि नहीं तुझे निकालने ही निकालने। तो और पेरेंट्स के साथ हमेशा टास्क रहो कि वो एकदम अच्छे से मोटिवेट करेंगे। और मतलब ये कि तुम डिटरमाइन, जितना अच्छे से डिटरमाइन रहोगे, जो 6-7 महीने वो खुद को दो, मतलब दूसरों की जगह खुद के हिसाब से, मतलब खुद को दो कि तुम एनालाइज भी खुद को करो। तुम जैसे एग्जाम दे दिया फिर दूसरा वाला बंदे के ये मिस्टेक कोई होगी तो मेरे भी यही होगी, ये नहीं करना। खुद ने क्या किया, खुद क्या कर रहे हो उस टाइम के पेपर पे, वो मतलब वही कि खुद क्या था, खुद ने क्या किया पूरा पेपर में कि क्या मिस्टेक करी, तो उन मिस्टेक्स को निकाल के ढूंढो। ये सब की डिटरमाइंड रहना बहुत जरूरी है। अगर और वैसे भी इतने सारे जने देते हैं एग्जाम्स और निकलते बहुत कम जने, तो ये कि बीच में लटक जाते हैं बहुत सारे कि अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा। लेकिन ये नहीं कि अगर तुम उस पर्टिकुलर गोल के लिए, एक तो गोल सेट करो अपना रोज कि ये करना है, और नहीं हो रहा है तो फिर रात को जाके देखो कि तुमने कार बीच में वेस्ट किया टाइम, तो वो अगले दिन ना हो। तो ये सब चीजें जो फोकस रहो हमेशा, अगर ठीक है मस्ती करनी करो थोड़ी बहुत, बट हमेशा फोकस और डिटरमाइंड रहो, यही है। और मोटिवेशन भी तुम देख लोगे तो एक एक घंटे के मोटिवेशन देखने से कोई नहीं, टाइम वेस्ट क्यों होना है, अंदर से आना चाहिए वो मोटिवेशन कि हाँ मेरे को निकालनी ही निकालनी ही निकालनी। तो बस वही दो चीजें जो सिमरन के बाद से हमें परिलक्षित हुआ, अभी निकल के आया। एक तो कि आपके पीयर ग्रुप अच्छे होने चाहिए जो आपको मोटिवेट कर सके, ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो पढ़ने लिखने वाला हो और सोशल मीडिया से दूर हो, और आप खुद भी सोशल मीडिया से दूर हो। कारण कि आपके पीयर ग्रुप में अगर एक भी सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा इंक्लोज्ड है और सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा पैसनेट आदमी है, तो फिर बाकियों को भी धीरे धीरे कुछ ना कुछ किस्से सुना के डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। और दूसरा चीज है जो मैं बार बार कहता हूँ कि पेरेंट्स का, जिसने जैसा कहा सिमरन ने कि पेरेंट्स का से भी अटैच रहो, वो आपको मोटिवेट करते रहे। पेरेंट्स से बेहतर कोई मोटिवेटर नहीं होता। यूजुअली पेरेंट्स आते हैं कहते हैं मेरी तो सुनता नहीं है, सुनती नहीं है, आप समझा दो। ठीक है, टीचर का समझाना भी एक अलग महत्व है, लेकिन पेरेंट्स जितना पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं उतना कोई भी नहीं कर सकता। मैंने देखा आखिरी समय में सिमरन की माता जी यहाँ आकर के दिल्ली में रह रही थी सिमरन के साथ, और यहाँ पे पेरेंट्स भी आए थे, पिताजी भी आए थे, उन्होंने
देख रेख करके गए, माता साथ में थी। तो ये सब जो मोटिवेशन है लोगों का, पेरेंट्स का जो सेक्रीफाइस होता है बच्चों के प्रति, ये बच्चों को और मोटिवेट करता है। तो पेरेंट्स अगर कोई ये सोचता है कि हमने पैसे लगा दिए जी, हमने ट्यूशन लगा दिया जी, बच्चे को खुद पढ़ना है, बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं पढ़ना तो इसी को है, हम क्या कर सकते हैं, हम तो पैसे ही खर्च कर सकते हैं, ये नहीं होता। अगर आपको अच्छी सक्सेस चाहिए तो पेरेंट्स को भी लगना पड़ता है, उन्हें भी लगातार अपने बच्चे को मोटिवेट करते रहना चाहिए। जो पेरेंट्स सुन रहे होंगे हमें, उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ अपनी तरफ से। एनीवे, तो जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी चार पार्ट है नीट के, आपने फिजिक्स की पहले बताइए, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में से कौन सा आपका फेवरेट है और उसकी तैयारी की स्ट्रेटजी आपकी क्या रही, क्रमवाइज बताइए, सबसे फेवरेट, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, ठीक है। फेवरेट तो मेरे को बायो लगता था कि हाँ बायो, लेकिन मेरे पास उसका टाइम नहीं था तो मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा और क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन मैंने खूब लगाए, क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चन बैंक के मैंने खूब लगाए, मतलब उससे मेरे को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी दिख जाते थे कि अच्छा ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो वो मैंने क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर बहुत लगाए और एनसीईआरटी पढ़ा। एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन जब मुझे लॉकडाउन का टाइम मिला तो मैंने थोड़ा थोड़ा मतलब ऊपर से देख लिया एक एक बार, बट उसका कोई फायदा भी नहीं मिला, सिर्फ एनसीईआरटी से आया सब कुछ। तो एनसीईआरटी के एक एक लाइन, चाहे वो साइंटिस्ट का हो, नाम हो, चाहे वो समरी हो, चाहे वो डायग्राम हो, कुछ भी हो, सबको जाना चाहिए एनसीईआरटी का, एक एक लाइन आनी चाहिए कि यहाँ से उठा के पूछ लिया तो ये भी तुम आंसर दे सको। एनसीईआरटी इज मस्ट, एनसीईआरटी ही बना के चलो कि एनसीईआरटी ही आनी है। और अगर तुम्हें लगता है कुछ एक्स्ट्रा है तो तुम वैसे एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम क्वेश्चन बैंक करोगे किसी का भी तो उसमें तुम्हारा आ जाएगा, और क्वेश्चन पेपर से भी तुम्हें बहुत आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी से लाइन कहाँ से उठा के दी जा सकती है। तो क्वेश्चन मेरे बहुत लगा है और क्वेश्चन बैंक और सिर्फ एनसीईआरटी, और उसके बाहर का मैंने इतना कुछ पढ़ा भी नहीं। बायो में मैंने एनसीईआरटी की एक एग्जांपलर किताब आती है, तो क्या आपने उसको भी रेफर किया? एग्जांपलर भी कर हाँ, एग्जाम्पलर हाँ, भी करना चाहिए। एग्जाम्पलर मैंने करी हाँ, एग्जाम्पलर भी करना चाहिए, और एनसीईआरटी के एक एक लाइन, बिटवीन द लाइंस जिसको कहते हैं, उसको पढ़ना चाहिए, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बायोलॉजी तो ये रहा, बाकी केमिस्ट्री के और फिजिक्स के लिए आपने क्या किया? केमिस्ट्री के लिए भी मैंने एनसीईआरटी, फिजिकल चाहे इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में जो रट्टाफिकेशन वाला पार्ट था वो मैंने स्टार्टिंग से किया, क्योंकि फिर लास्ट में आते जो स्ट्रेस हो जाता है तो फिर कुछ याद भी नहीं होता उस टाइम से। तो मैंने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का रट्टाफिकेशन वाला पार्ट स्टार्टिंग से किया एकदम, और रोज कुछ ना कुछ उठा के रट लेती थी या रिवाइज करना हो तो वो, और पढ़ा इसमें भी मैंने सिर्फ एनसीईआरटी और क्वेश्चन, मैंने सबके क्वेश्चन बहुत लगाए चाहे वो फिजिकल हो, और इनके तो जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस है और अंदर का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब मैंने अच्छे से लगाए। और जैसे ऑर्गेनिक है तो उसमें रिएजेंट है तो क्या रिएक्शन होगी, तो ये थोड़ा बहुत आना चाहिए कि अच्छा ये रिएजेंट है तो ये रिएक्शन हो सकती है, तो यही। और फिजिकल में भी थ्योरी वाला पार्ट है वो मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा सारा, कुछ मतलब बाहर से नहीं किया मैंने इतना, जो करना था वो मैंने क्वेश्चन से, मेरे को पता चल गया कि ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, तो मैंने क्वेश्चन खूब लगाए और क्वेश्चन पेपर। और फिजिक्स का तो मैंने आपसे कुछ, हाँ बोलो बोलो, फिजिक्स का तो मैंने आपसे कोचिंग ली थी, तो फिजिक्स का तो जैसे मेरे मैकेनिक्स वाला पार्ट काफी वीक था, तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि मेरे को मैकेनिक्स नहीं आता, तो सर ने मेरे को अच्छे से बताया कि हाँ ये, और मतलब सर ने मोटिवेट किया कि जैसे कि मैकेनिक्स इज अ इजी पार्ट, जैसे मेरे को बहुत फियर था मैकेनिक्स से कि मेरे को तो आता ही मुझे नहीं आता, तो जब मैंने उसको ध्यान दिया उस पर तो मेरे को लगा कि सही में कि काफी इजी पार्ट है ये तो मैकेनिक्स का, तो वही कि आपने काफी सपोर्ट किया, आपने जो भी क्वेश्चंस दिए मेरे को या जो भी एक्सरसाइज वगैरह असाइनमेंट वगैरह दिए वो मैं रोज करके आती थी और आपसे पूछ लेती थी कि ये नहीं आता तो क्या करना चाहिए। तो वही जो जो आपने कहा वो फिजिक्स में मैंने किया, क्वेश्चन लगाया अच्छे से, और जो आप रेगुलर टेस्ट लेते थे हर चैप्टर के बाद जो टेस्ट लेते थे, एक दो टेस्ट जो हमेशा ले लेते थे, वो मैंने अच्छे से किए, और उसमें मैंने देखा कि काफी क्वेश्चन आपके रिपीटेड भी थे नीट के पैटर्न के, चाहे वो सिंपल ही आयो लेकिन वो नीट के पैटर्न के, तो वो भी कि इतने हाई लेवल के भी कोई मतलब नहीं करने के, जे एडवांस के कर डाले वो आपके पास टाइम हो तो ठीक है, बाकी यूजुअली क्या होता है कि बच्चे बड़े मुश्किल क्वेश्चन करने में लगे रहते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चंस को ध्यान नहीं देते, जो आपके उनके जरूरत की नहीं होती उसको पढ़ने में बहुत सारा समय खर्च कर देते हैं, और नीट का एक लेवल है, उस लेवल पे ही अगर आप इंटैक्ट रहें और फोकस रहें
तो रिजल्ट मिलती ही मिलती है। मैं अपने एक्सपीरियंस और इतने साल के अनुभव के आधार पर आप लोग को सलाह दिया, और जहां पर भी मुश्किल लगा कि ये चीज नहीं आ सकती, उसको हमने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया कि बेटा यही तुम्हारी अपर लिमिट है और इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। तो वो तो है, लेकिन एक बात अभी बड़ा रिमार्केबल कही है सिमरन ने, जिसको बाकी जो एक्सपीरियंस हैं, जो तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्र हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए। बच्चे ये सोचते हैं कि रट्टाफिकेशन या रटने वाली बात, याद करने वाली बात आखिरी में कर लेंगे कि उस समय वो याद रहेगा, लेकिन इन्होंने क्या कहा आपने ध्यान से सुना होगा कि ये इन्होंने रटने वाला पार्ट बहुत पहले कर लिया, और पहले करने के बाद इन्होंने लगातार उसको रिवाइज किया बीच बीच में, और कभी ना कभी उसको देखते रही। तो मैं भी यही कहूंगा छात्रों से, ये मैं कहता भी रहता हूं, लेकिन अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा मिल गया होगा कि भाई बच्चे क्या करते हैं कि आखिरी मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट पे सोचते हैं कि हम याद कर लेंगे और हम जा करके वहां उगल देंगे, वोमिटिंग कर देंगे। ऐसा होता नहीं है, उस समय याद करने के बाद भी मिक्सिंग हो जाती है, और जब शुरू से कोई याद करेगा तो वो सिस्टमेटिक जाके एक पैटर्न बन जाता है दिमाग में, और जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसमें एक पैटर्न सेट हो जाता है। तो याद करने वाला पार्ट सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई इफ बट है नहीं, वो एकदम फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, आएंगे तो 15 सेकंड में आंसर दे पाएंगे, और नहीं आएंगे तो फिर नहीं होगा। तो याद करने वाला बात जो है वो पहले करना चाहिए, और याद करके छोड़ दोगे तब भी भूल जाओगे तो फिर बात वही हो जाएगी। तो बीच बीच में उसको रिवाइज करते रहना चाहिए, आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ रिपीटेशन ये परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, और आप जब चाहें उसे रिकॉल कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात बताई सिमरन ने, जो प्रतियोगी छात्र हैं इसको ध्यान में रखेंगे। टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, जैसे सिमरन ने कहा कि बड़े सारे क्वेश्चंस किए, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए जिसे पैटर्न पता चल गया। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि टेस्ट सीरीज कब से देना चाहिए, जैसे 11th 12th के छात्र हैं उनको कब से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, और कितना फायदेमंद है टेस्ट सीरीज? फायदा तो आपने खैर बता दिया, लेकिन टेस्ट सीरीज तो आप स्टार्टिंग से ज्वाइन करो, चाहे वो माइनर टेस्ट हो चाहे मेजर टेस्ट हो, एक भी स्टेप पर करो, चाहे तुम्हें आता हो क्या नहीं आता हो, उसे पता चल जाएगा कि तुम्हें कहाँ पर, तुम्हें क्या नहीं आता क्या आता है। तो मतलब मेरा भी ये था कि मैंने स्टार्टिंग से टेस्ट दिया फुल सिलेबस, तो मेरे को उससे पता चल गया कि मेरे क्या क्या वीक पॉइंट्स है, तो उससे मैंने फिर ज्यादा ध्यान दिया। जैसे मैंने मैकेनिक्स नहीं आती थी तो मुझे पता चल गया मुझे मैकेनिक्स नहीं आती, बायो का कुछ पार्ट आता है तो मुझे उसमें कम ध्यान देने की जरूरत है। तो वही कि स्टार्टिंग जितने टेस्ट दोगे उतना अच्छा रहेगा, टाइम टेबल बना लो कि मुझे अल्टरनेट टेस्ट देना है या फिर हफ्ते में एक बार संडे को देना है, और जो भी तुमने ज्वाइन कर रखा उसका जो भी टेस्ट आता है वो तुम्हें करना ही करना है, एक भी स्किप मत करो। पहले ही तुमने उसमें पढ़ाई करी हो या नहीं करी हो उससे पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है कहाँ का तुम्हारी मिस्टेक हो रही है, और जो भी मिस्टेक हो रही है वो तुम्हें लिख लेनी चाहिए कॉपी बना के, और फिर जब अगले टेस्ट के लिए तुम जाओगे तो उसको रिवाइज करके जाओगे, ताकि फिर वही अगर वैसे सिमिलर क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें ध्यान आ जाएगा वहां पर कि हाँ मैंने पिछली बार ये मिस्टेक करी थी तो मैं अब ये नहीं करूंगी। और अगर घर पे भी बैठ के टेस्ट दे रहे हो तो 3 घंटे का टाइम लो, ऑनेस्टी के साथ पेपर दो, ओमआर साथ में रखो, ओमआर भरो हमेशा, और बिल्कुल कि ये क्यों नहीं आया, अगर ये आता था तो मेरे को क्यों गलत कर दिया, क्या हो गया उस 3 घंटे के टाइम पे, क्योंकि लास्ट में सबको सब कुछ आता है बट वो 3 घंटे का टाइम मैटर करता है, 180 क्वेश्चन 180 मिनट में कौन क्या कैसे करके आता है। तो स्टार्टिंग से तुम पेपर दोगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा कि तुम्हें पता भी चल जाएगा कितना तुम्हें आता है, कितनी मेमोरी में रहता है तुम्हारी, और क्या क्या तुम मिस्टेक कर सकते हो, ये सब अच्छे से मतलब टेस्ट सीरीज तो काफी स्टार्टिंग से देना कर लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बताया, टेस्ट सीरीज जो छात्र हैं 11th के छात्र जो अभी 10th से 11th में जाएंगे उनके लिए ये विशेष है, और जो अभी 11th में हैं उनके लिए भी है कि अभी भी देर नहीं हुआ है, आप टेस्ट सीरीज तुरंत शुरू कर दें, चाहे आपको आता है चाहे नहीं आता है। ऐसा देखने में आया है प्राय बच्चों के साथ, हम पूछते हैं कि कई बार बच्चे टेस्ट सीरीज में नहीं आते हैं या ज्वाइन कर लेने के बाद भी स्किप कर देते हैं, पूछा तो सर हमारी तैयारी नहीं थी। अरे तैयारी नहीं थी तब भी टेस्ट सीरीज देना चाहिए, टेस्ट देने से पता चलता है कि क्या तैयारी नहीं है और किस लेवल पे है। तो सभी बच्चों को जैसा सिमरन ने बताया कि चाहे आता हो या नहीं आता हो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए और देना चाहिए सिंसियरली, जो नहीं आता उसकी ड्रॉबैक्स को ढूंढना चाहिए, एनालिसिस करनी चाहिए, नोट करना चाहिए और अगले टेस्ट से पहले रिवाइज करना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब ये बताएं कि छात्रों को बहुत सारे पेरेंट्स का हमारे पास फोन आता है और वो बोलते हैं हमारा बच्चा 6th क्लास में है,
उसको नीट की तैयारी करनी है, या कोई बोलता है कि सातवीं क्लास में है उसको IIT में जाना है, बताइए कैसे तैयारी करवाएं। तो कब से तैयारी करनी शुरू करनी चाहिए? हालांकि हम तो उन्हें जवाब देते हैं, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि कब से छात्रों को तैयारी करनी चाहिए नीट की, बेसिकली तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए? मेरे हिसाब से 11th 12th सफिशिएंट, मतलब ठीक है 11th 12th 6th 7th क्लास से क्या बच्चों को इतना ठीक है, 11th 12th सफिशिएंट, बाकी जो स्कूल में पढ़ाते हैं उसका बेसिक क्लियर रखो, जैसे 9th और 10th से कि बेसिक क्लियर करो, क्योंकि 9th 11th में रिपीट होगा 10th 12th में, तो उसका बेसिक एकदम क्लियर रखो, और बाकी 11th 12th सफिशिएंट। अगर तुम डिटरमाइन करोगे, अगर तुम माइंड में क्लियर है, जैसे 11th में तो क्लियर ही नहीं होता कि क्या चल रहा है, ठीक है जो कोचिंग वाला पढ़ा रहे हैं वो हम भी पढ़े जा रहे हैं, वो नहीं, एकदम माइंड मैप सेट करके रखो कि अच्छा अगर कोचिंग वाले स्किप भी कर देता है, तो जैसे मेरे साथ भी हुआ था कि लास्ट में जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है वो उन्होंने स्किप कर दिया था, तो मेरे को पता ही नहीं था कि अच्छा ये आता भी है, तो मैंने भी स्किप कर दिया, मतलब उसके क्वेश्चन आए थे नीट में तो मेरे को आए नहीं, तो वही कि ठीक है 11th 12th सफिशिएंट, मतलब इससे पहले भी नहीं 11th 12th सफिशिएंट। हाँ बिल्कुल सही बता रही है, हमारी भी यही कहना है कि नीट की तैयारी के लिए पहले से 6th 7th से अगर आपने शुरू कर दिया उसको टॉर्चर करना बच्चे को, तो एक बार पेरेंट्स के लिए स्पेशली है कि अगर शुरू से ही टॉर्चर करना शुरू कर दिया, उसके दिमाग में डाल दिया कि नीट करना है नीट करना है, 6th से तैयारी करो, 7th से तैयारी करो या 8th से तैयारी करो, तो उसका बचपना खत्म हो जाता है। और हो सकता है बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को हमने देखा है कि जिन्होंने ऐसे अर्ली स्टेज में शुरू किया, 9वीं 10वीं तक जाते जाते उनका बच्चा कहता है अब हम साइंस पढ़ेंगे ही नहीं, वो आर्ट्स में चला जाता है, वो लॉ करने के लिए चला जाता है, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो जो एक्चुअल फील्डिंग है वो 11th 12th से ही होनी चाहिए, 11th से ही शुरू होनी चाहिए, और 10th के बाद के टाइम को आप उसमें ले सकते हैं कि जैसे ही बच्चा बोर्ड का एग्जाम दिया उसके बाद का 10-15 दिन उसको एंजॉय करने दें, उसके बाद आप सिंसियर हो जाए, उसको मोटिवेट करें, उसको पढ़ाने के लिए ट्रैक पे डाल दें, वो आप कर सकते हैं कि महीना दिन इंतजार ना करें रिजल्ट वगैरह के लिए, लेकिन ये 11th 12th ही होना चाहिए। उससे पहले किसी तरह का दबाव उसके परफॉर्मेंस पे अनावश्यक बोझ बनेगा और वो परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं हर्ट करेगा, कहीं ना कहीं उसको प्रभाव पड़ेगा परफॉर्मेंस पे, तो नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स के लिए खास करके एक संदेश है, और जो सिमरन ने भी बता दिया कि 11th 12th ही सफिशियंट, अगर सिंसियरली कोई 11th 12th पढ़ता है तो अच्छे रैंक आ जाएंगे। अच्छा, कुछ ऐसे किताब के नाम बताएं जिसमें तैयारी करने में आपको मदद मिली है, हालांकि आपने कहा कि NCERT सफिशियंट, बट फिर भी कुछ ऐसा किताब जो यूजफुल हो, बच्चों को पढ़ना चाहिए अगर उनके पास समय हो तो, एक्स्ट्रा वैसे जरूरत तो नहीं है बट एक्स्ट्रा समय हो तो क्या पढ़ना चाहिए, कोई ऐसी किताब जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगी आपने मदद में तैयारी मदद की? केमिस्ट्री में जब मेरे को टाइम मिला लॉकडाउन में, तब मैंने इनऑर्गेनिक के लिए वीके जायसवाल करी थी, ऑर्गेनिक के लिए MS चौहान, और फिजिकल के लिए एन अवस्थी करी थी। अच्छा। और जो फिजिक्स है उसमें मैंने जे के क्वेश्चंस किए 2019-20 के सारे क्वेश्चन लगाए, और साथ में अगर मेरे को जैसे किसी में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, जैसे मेरे को सर्किट सॉल्विंग में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो मेरे को अगर कहीं से क्वेश्चन उठाने होते थे या तो मैं एच सी वर्मा देख लेती थी कि ये सर्किट सॉल्विंग वाले क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे, या फिर मैं डीसी पांडे जो अपनी स्टे वाली आती है उससे क्वेश्चन उठा लेती थी, मतलब मैंने पूरी कभी सॉल्व नहीं करी, बट हाँ अगर मेरे को किसी चीज में कॉन्फिडेंस नहीं आता था तो मैं उनसे क्वेश्चन उठा के देख लेती थी कि ये क्वेश्चन है। बाकी बायो के लिए तो मैंने क्वेश्चन बैंक लिया था, बस वही पढ़ा था, और NCERT और इतना कुछ पढ़ा नहीं था बायो के लिए। बिल्कुल सही। तो ये बायो में मैं अपनी तरफ से एक किताब बता देता हूँ जो बच्चे चाहें तो पढ़ सकते हैं, ट्रूमैन की एक किताब आती है ट्रूमैन्स की, और वो किताब कोई बच्चा चाहे तो पढ़ सकता है, वैसे जरूरत नहीं है, NCERT सफिशियंट है। सिमरन का पोटेंशियल जेई के लेवल का भी था, फिजिक्स में एटलीस्ट जेई में तो अच्छा से क्रैक कर लेती 99% तक एकदम आराम से, जो इनका लेवल था। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने थोड़ा ज्यादा किया था बट उसकी जरूरत नहीं है। डीसी पांडे एच सी वर्मा जो है ये जेई की किताबें हैं, जेई की तैयारी करने वालों के लिए है, बट अगर आपके पास टाइम हो तो आप कर सकते हैं जैसा कि इन्होंने कहा, और अच्छे रैंक लाने में जरूर मददगार साबित हो सकते हैं। ये किताबें कुछ अच्छी लेवल की किताबें हैं, चूंकि समय मिला था लॉकडाउन में तो इसलिए इन्होंने पढ़ लिया, बट ऐसा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि नीट की तैयारी करने के लिए
क्या कोचिंग जरूरी है? ये कई सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि नीट की तैयारी करने के लिए कोचिंग जरूरी है या नहीं। अपने को तो लगता है जरूरी है कि मतलब हाँ मेरे को लगता है कि जरूरी है, गाइडेंस मिल जाता है, फ्लो आ जाता है। अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो या तो उसका डिटरमाइन रहो, एक माइंड मैप रखो अपने साथ के, मेरे को टाइम टेबल बना के रखो। जैसे अगर अपन कोचिंग में जाते हैं तो वो जितना पढ़ाते उतना अपने को घर पे आके पढ़ने होता है, तो एक कंटिन्यूशन मेंटेन रहता है, गाइडेंस मेंटेन रहती है, एक तुम इनोसेंट के इनोसेंस आता है तुम्हें कि हाँ ठीक है कि तुम्हें ये आज पढ़ा तो ये करना ही करना है, इतने क्वेश्चन उन्होंने होमवर्क दिए तो मुझे करने करना है। अब तुम एक सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो एक तो अगर तुम ठीक है कोई कोचिंग नहीं भी ले रहे हो तो मेरे हिसाब से इससे डाउट भी क्लियर नहीं हो पाते और इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हो पाता और वही कि कंटिन्यूशन नहीं आ पाता कि कभी तुम पढ़ रहे हो कभी नहीं पढ़ रहे हो, बस अपने हिसाब से चल रहा है। मेरे हिसाब से तो जरूरी है एक कोचिंग लेना। कोचिंग जैसा कह रही हैं कि जरूरी है, इससे क्या मिलता है कि एक आपको फ्लो चार्ट मिल जाती है कि कब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और रोज का एक काम मिल जाता है जिससे कि आप कर सकते हैं। खुद पढ़ने पे ये डेडलाइन पता नहीं होती कि हम ज्यादा पढ़ रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, शायद ये एक होता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, कल भी एक पेरेंट्स आए थे हमारे पास, उनका बच्चा ड्रॉप कर रहा है, तो वो कह रहे थे कि हम बच्चा सोच रहा है कि हम घर में ही पढ़ लें और कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। और लेकिन नहीं करने से क्या होता है कि वो फ्लो टूट जाता है और बच्चा धीरे धीरे जो है वो अपने आप में ही खुश होने लगता है कि हमने बहुत पढ़ लिया, जबकि जितनी जरूरत है उतना नहीं पढ़ा होता है। तो कोचिंग सिमरन के हिसाब से जरूरी है। आपकी तैयारी में कोचिंग संस्थान का क्या योगदान रहा? मैंने तो जैसे आपसे फिजिक्स पढ़ी थी और मतलब हाँ आप ऐसे मोटिवेशन दे देते थे मुझे हमेशा कि करना है करना। जैसे मेरे को कभी कभी लगता था कि नहीं सब मजे कर रहे हैं, जैसे डेंटल वाले स्टूडेंट्स हैं कभी फेस्ट में जा रहे हैं कभी कहाँ जा रहे हैं, तो मेरे को ऐसा कभी लगता था कि ठीक है मैं अभी चले जाती हूँ। लेकिन वही कि आप ऐसे रखते थे मुझे कि नहीं अभी इतना काम करना है और कल हमेशा डेडलाइन दे देती कि ये करके आना है कल, तो कल डिस्कस होगा ये, तो वही की एक मोटिवेशन मिल जाता था, गाइडेंस मिल जाती थी। कुछ क्वेश्चन नहीं आते थे, क्वेश्चन कभी लगाया या क्वेश्चन पेपर कभी लगाया कुछ नहीं आता था तो आपसे पूछ लेती थी आके कि ये बता दो। तो वही की एक कोचिंग एज अ जब पेरेंट्स आते हैं जो होते हैं तो एज अ पेरेंट की तरह भी काम करता है, एज अ फैमिली की तरह काम करता है कि ठीक है मतलब मोटिवेशन अच्छे से मिल जाता है। कोई भी दिक्कत आती है तो आप बता देते थे मुझे कि हाँ बेटा ऐसे सॉल्व कर लो। तो वही कि काफी मेरे को फिजिक्स में तो इम्पैक्ट काफी ज्यादा मेरे को लगा कि जो मेरा फियर था मैकेनिक्स का हो चाहे किसी और चीज का हो तो आ जाता था मुझे कि ठीक है अब नहीं अब ये इजी है सर ऐसे पता है तो इजी तो हो जाएगा, तो मैं उसकी तरफ ध्यान दिया मैंने कि ठीक है अब मेरे को आने लगी है मैकेनिक्स। तो वही कि फिजिक्स में तो आपने काफी मेरे साथ किया है। ठीक है, अच्छा अब एक और बात बताओ कि आगे का क्या सोचा है कैरियर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से? तुम मेडिकल फील्ड में ही रहना चाहती हो या किधर कुछ स्पेशलाइज करना चाहोगी, या सिविल सर्विसेज की तरफ तुम्हारा कोई ध्यान है, या कोई और जॉब की तरफ कुछ ओरिएंटेशन है, कुछ सोचा होगा? अगर मन में कोई प्लानिंग है तो बताओ क्या सोचा है आगे के लिए। अभी तो यही सोचा नहीं, MBBS ही करना है और मतलब यूपीएससी का तो मैंने सोचा नहीं है अभी, क्या पता अच्छा। बन जाए कॉलेज आने के बाद, बट लेकिन अभी तो मैंने एमबीबीएससी के ठीक है एमबीबीएससी करना है। क्या स्पेशलाइज सोचा है? स्पेशलाइज क्या करेगी, कुछ सोचा है कौन से फील्ड में एमबीबीएस के बाद? न्यूरो किसमें? हाँ न्यूरो फिजिशियन सोचा है, न्यूरो फिजिशियन। अच्छा गुड, ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया सोचा है और देश में बहुत सारे लोगों को मानसिक बीमारियां हो रही है और उसमें न्यूरोफिजिशियन लोग बहुत मददगार साबित होते हैं। भगवान से यही कामना है कि आपके उज्जवल भविष्य की और आपके मन मुताबिक अग्रसर रखें और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारे अरविंद सिंह एकेडमी के चैनल की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान आपको बहुत अच्छी तरक्की दे, ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू।
तो बच्चों आज आपने जैसा कि देखा ये इंटरव्यू सिमरन की, और सिमरन हमारी बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट अरविंद सिंह एकेडमी की थी। रोहिणी में ही ESICU हॉस्पिटल है और यहीं पे बगल में हमारा इंस्टीट्यूट है, तो इन्होंने हमें ज्वाइन किया था डॉपर बैच में। थोड़ा लेट ज्वाइन किया था लेकिन इनके साथ और भी बच्चे थे और बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट जिनका इतना बढ़िया रैंक आया है और एम्स में एडमिशन लिया है, जो हर किसी मेडिकल प्रिपरेशन करने वालों की ड्रीम होती है। और उम्मीद है आप जो भी व्यूअर्स इसको सुन रहे हैं वो इससे लाभान्वित होंगे और आप सबके भी उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। किसी भी तरह की कोई समस्या हो आपको तैयारी से संबंधित, तो आप हमारे वेबसाइट www.arvindsingh.com पे विजिट कर सकते हैं या हमें हमारे नंबर से, ऑफिस के नंबर है 9999906400 पे कॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो भी आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।